दर्शक बंधु समस्त मनुष्य समान से जो जाति जो धर्म हो प्रत्येक धर्म को सम्मान दबा एवं प्रत्येक धर्म रे निज ईश्वर प्रति आस्था प्रकट करिबा एवं धर्म निरपेक्षता अनुजाई विश्वर मंगल कामना करिबा ही मानव धर्मर लक्ष्य हवा उचित एक विश्वर अधिकांश देश बुझी सारे तेणु एभली परिप्रेक्षी यूनाइटेड आरब एमिरेट्स यूएई र सरकार एवं एक मंदिर निर्माण को अनुमोदन दे जो परंपरा सृष्टि करो उदाहरण सृष्टि कर आगामी दिन में ता विश्वर आहरी अनेक देश को एक प्रेरणा जगेब धर्मनिरपेक्षता कौन एवं धर्मनिरपेक्षतार चिंता और तद्दिगरे कार्य कर प्रयास मनिषपी कौन हो पाए एभली एक उदाहरण सृष्टि करमिरेट सरकार एमिरेट्स एक भव्य मंदिर निर्माण पर अनुमोदन मिली निर्माण कार्य प्रायतः समापन होगा खलील टाइम्स रिपोर्ट को धरले सिंधु गुरुद्वार मंदिर ट्रस्टी राजू सवाज कहते कि मंदिर दशहरा उत्सव मुखर अवसर में 5 अक्टोबर में साधारण जनता दर्शन निम्ते खोल मंदिर को अति आडंबर सहकारे उद्घाटन एने दुबई प्रशासन अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं मान्यगण्य व्यक्ति निजर सम्मति प्रदान कर सारी तेज यह मंदिर जेदिल अली ठारे एमिरेट्स कॉरिडोर ऑफ टॉलरेंस या मंदिर परिसर सिख गुरुद्वारा सह अनेक चर्च निर्मित होणु यह निश्चित मात्रा रे धर्म निरपेक्षतार एक पेंठस्थली कंदिर कार्यकर्ता बयान अनुजाई ए मंदिर रे विभिन्न अनुष्ठान करने सम्मति प्रदान अर्थात यह मंदिर रे विभिन्न अनुष्ठान एवं प्रथम चरण और द्वितीय चरण रे ए मंदिर साधारण जनता खोल दिजिव प्रथम चरण रे पूजा स्थल किपरि लोक पूजा करें स्वतंत्र दृष्टि दि जाता बेले द्वितीय चरण रे साधारण जनता सबुब मंदिर विग्रह को दर्शन करने खोल दिजिव 16 जन देवादेवी मूर्ति प्रतिमा एठारे पूजा पाइबे केवल प्रतिमा नुहंती एठारे लोकंकर ध्यान पई सभागृह समुदाय गृह पूजास्थल आदि इत्यादि विभिन्न प्रकार सुविधा को चिंता करा जाई निर्माण करा जाई छि एहि मंदिर तबे सबुठ बड़ कथा 5 अक्टोबर रे एहि मंदिर खोलिबा को थिबा पळे मंदिर रो वेबसाइट रे एक क्यूआर कोड मध्ये दिया जाई छि जे दर्शन अभिलाषी माने मंदिर रे देवादेवी को दर्शन करिवे प्रार्थना करिवे से माने सेप्टेम्बर मासरु क्यूआर कोड अनुजाई दर्शन करिवा पई निजर बुकिंग मध्य करि पारिबे एवं सबुट बड़ कथा ला एही क्यूआर कोड को मंदिर रो वेबसाइट रे दिया जाइथवारो सूचना मिलिछि तबे एठारे जेउ प्रार्थना गृह रहिछि एही प्रार्थना गृह रे प्राय 1000 रु 1200 लोक एका संगरे प्रार्थना करि पारिबे बोली मध्य जणा पडिछि यह मंदिर साधारण जनता सकाळ 6:00 राति 9:00 पर्यंत खोला रहिबो या भीतर जो विशेष कथाटी रही मंदिर निर्माण पई दुबई कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी थारु लाइसेंस मध्य मिलिछि 70,000 वर्ग फुट घेरा यह मंदिर जोठी प्राय 2-3 महला रही प्रथम महला बा फर्स्ट फ्लोर रे प्रार्थना गृह रही बेले एठारे सिख मानंकर पवित्र ग्रंथ गुरुद्वार साहिब को मध्य स्थानित करा जिवो एथिपई एक भिन्न प्रकोष्ठ मध्य निर्माण होई छड़ा 4000 वर्ग फुट रक बैंक्वेट हॉल मध्य होई छि एवं सबुठ बड़ कथा एथिरे आपण व्रत कार्य विवाह कार्य बा सेहि भलि कोनोसी मांगलिक अनुष्ठान करबा को चाहिले करि पारिबे एथिपई मध्य अनुमति प्रदान करिवार व्यवस्था रही छि एहा छड़ा समुदाय कक्ष एवं ज्ञान कक्ष को मध्य स्वतंत्र दृष्टि दिया जाय छि दर्शनाभिलाषी निमन्ते एठारे तुलसी गछ को स्थानित करा जायथा बळे नवग्रह मूर्ति को मध्य स्थानित करा जाय छि अनुष्ठान आवश्यक पड़िबा को थिबा रुसेई घर मध्य एठारे निर्मित होइथिबा बळे एक कोल्ड स्टोरेज मध्य एठारे निर्माण करा जाय छि एबे ए मंदिर रो शेष चरण स्पर्श दउचंती शिल्पी मारे राजस्थान रो अनेक कारीगर जाई एठारे मार्बल काम करथवा बळे देश विदेश रो अन्यान्य धर्मर कारीगर माने मध्य एही मंदिर किपरि सुचिंतित भावरे एवं सफल भावरे निर्माण हबो एथि पई दृष्टि देइचंती
ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏ ମନ୍ଦିର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ମନ୍ଦିରର ମୂଳ ରଚନା ବା ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କଲାବେଳେ ଯେମିତି ମୂଳ ଯୋଜନା ଥାଏ, ଏହିଭଳି ଏକ ଯୋଜନାରେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମକାଳୀନ ମନ୍ଦିରର ପରିକଳ୍ପନା ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ଭାବରେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି, ହାତୀ, ଫୁଲ ଭଳି ଯେଉଁ ତରିକାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଦିୱାଲୀ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏଠାରେ ଆବୁଧାବିରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏମିରେଟ୍ ସରକାର ଏଭଳି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଏବେ ସାଉଦି ଆରବରେ 8000 ବର୍ଷ ତଳର ଏକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ପୂଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କେତେ ପ୍ରାଚୀନ, ତାହା ଏଭଳି କିଛି ଉଦାହରଣ ବୟାନ କରିଥାଏ। ସାଉଦି ଆରବିଆର ମୁଖ୍ୟ ସହରର ତଳେ ପ୍ରାୟ 8000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଏକ ସହର ବାହାରିବା, ଏଥିରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ବାହାରିବା, ମନ୍ଦିରର ଶିଳାଲେଖ ବାହାରିବା ସେଠାକାର ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି କି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେ ସନାତନୀ ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପୂଜାଙ୍କୁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏଭଳି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ। ତେଣୁ ଏବେ UAE ସରକାର ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ମନ୍ଦିରର ଆବିଷ୍କାର ହେବା, ଏହି ଉଭୟ ଘଟଣା ହିଁ ଏକ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ନୂତନ ସନ୍ଦେଶ, ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେଶ, ସଦ୍ଭାବର ସନ୍ଦେଶ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ସନ୍ଦେଶ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ପରସ୍ପର ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଏକ ବିଶେଷ ସମୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଭିଜୁଆଲ ଏଡିଟର, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର, ରିପୋର୍ଟର୍ସ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର, ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଫିସ ବୟ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର CV ସହିତ ଆମକୁ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି officialdtvodia@gmail.com। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9348063560, 7978787854।